सर, मेरा एक सवाल है, क्या एनलाइटेंड पुरुष सर्वज्ञ होते हैं? ओके, नमस्कारम एवरीवन। तो इनका प्रश्न है, क्या एनलाइटेंड पुरुष सर्वज्ञ होते हैं? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि एनलाइटेंड पुरुष सर्वज्ञ होते हैं। जैसे बुद्ध का अगर आप प्रतिमा देखेंगे या ऐसे बहुत सारे बुद्ध पुरुष हैं, ऐसा लगता है उनको देखकर वो सब कुछ जानते थे, सर्वज्ञ है, मतलब उनसे और कुछ बाकी ही नहीं जानने के लिए। तो आम लोगों के मन में ये प्रश्न घूमते रहता है, अंदर रहता है कि एनलाइटेंड पुरुष सब कुछ शायद जानते हैं। और आपने मुझे ये प्रश्न किया, तो ठीक है, मैं इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि क्या सचमुच में एनलाइटेंड पुरुष सर्वज्ञ होते हैं। तो मैं बहुत डीप में जाने वाला हूँ और ध्यान से समझिएगा। कई उपनिषदों में कहा गया है कि वह क्या है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह क्या है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, और वह क्या है जिसको नहीं जानने से सब कुछ जानने के बाद भी नहीं जाना हुआ जैसा रहता है। समझ में आई बातें? वह क्या है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ जैसा हो जाता है, और वह क्या है जिसको नहीं जानने से सब कुछ जानते हुए भी नहीं जाना हुआ जैसा रहता है। तो एनलाइटेंड पुरुष के लिए वह चीज़ को जान लेता है जिसको जान लेने के बाद उसको ऐसा लगता है कि वह सब जान ही गया। अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो, वेदांत को पढ़ेंगे तो। इसीलिए यह प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाता है कि शायद वो सब कुछ जानते हैं। बट सच्चाई में आपको बता रहा हूँ कि एनलाइटेंड पुरुष वह तत्वों को जान लेता है जो कि परम सत्य है, उसको जान लेता है। उसको जानने के बाद वास्तव में उसको और कोई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होती है और कुछ जानने के लिए, क्योंकि वो समग्र है, वो यूनियन है, वो परम चेतना है, वो उसको जान लेता है। उसके ऊपर और कुछ जानने के लिए है ही नहीं। तो सर्वव्याप्त जो है उसको वो जान लेता है स्वयं। इसीलिए कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि वो सर्वज्ञ होते हैं क्या। बट इन द फील्ड ऑफ द ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी का मतलब है जब हम दो चीज़ों की बात करेंगे, ड्यूअलिटी मतलब दो, जैसे कि ये ब्रह्मांड है। अब जितने सारी यूनिवर्सिटीज़ में आज तक रिसर्चेस हुई है, कोर्सेस डेवलप्ड हुए हैं, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप शून्य के जगह पे जाकर देखिए क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, कैसे कैसे कोर्सेस डेवलप है, तो आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। क्या समझ में आने लग जाएगी कि इसी ब्रह्मांड के बहुत सारी चीज़ों पे हम रिसर्च कर रहे हैं और जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है। फिजिकल लॉज को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या बिज़नेस के फील्ड में जाएंगे तो बिज़नेस के प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, वो सब जान जान कर कोर्स डेवलप करके हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, ये सब चीज़ें घट रही है। तो क्या एक एनलाइटेंड पुरुष के लिए सारे जो यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज पढ़ाई जा रही है, रिसर्च हो रही है, वो सब कुछ जानता है? जब सर्वज्ञ की जब बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में यह जो कुछ भी हमारे पृथ्वी पे अभी हो रहा है उसके बारे में उसको सब कुछ पता होना चाहिए, शायद उसको सारी भाषाएं आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको सारी चीज़ें नहीं है। उसको जाकर पूछेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का 253 आर्टिकल में क्या लिखा है, तो बिना पढ़े हुए वो नहीं बता सकता है। फिजिक्स का कई फार्मूलाज पूछेंगे तो वो बिना पढ़े हुए नहीं बता सकता है। कैसे बता सकते हो? क्योंकि ये तो तथ्य है, ये इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन की दुनिया है। इन्फॉर्मेशन की दुनिया में एक बात याद रखिएगा, ये द्वैत की दुनिया है, इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, तथ्य की बात है। तो तथ्य को जानने के लिए जो आपको ब्रेन दिया गया है, और ब्रेन भी आपका दो पार्ट है, देख रहे हैं आप, दो, यही द्वैत का प्रतीक कर रहा है। इस ब्रेन से हम जो कुछ भी जानेंगे, द्वैत की दुनिया को जानेंगे इस ब्रेन से। तो द्वैत की दुनिया को जानने के लिए इन्फॉर्मेशन के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। आपको पढ़कर ही जानना पड़ेगा, चाहे वो बुद्ध पुरुष हो, एनलाइटेंड पुरुष हो, कुछ भी पुरुष हो, वो तो पढ़कर ही वो जान पाएगा। कोई फार्मूलाज हो, कुछ भी हो। मैं वन स्टेप एडवांस जाऊंगा इससे भी, तो ये इस तरीक़ा से उसको जानकारी लेने पड़ेगी, तथ्य लेने पड़ेंगे, तभी जानेगा। आप उसको कहेंगे कि वो बुद्ध पुरुष है तो जाकर किसी का हार्ट का सर्जरी करेगा, वो हार्ट का सर्जरी करते करते आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पेशेंट का क्या हालत होगा। कोई बुद्ध पुरुष बिना डॉक्टर बिने हुए ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मैं हार्ट का सर्जरी कर सकता हूँ? नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको कार्डियोलॉजिस्ट होना पड़ेगा, हार्ट का डॉक्टर होना पड़ेगा, तभी ऑपरेशन कर पाएगा। तो यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है कि वो सर्वज्ञ होता है। द्वैत के फील्ड में भी द्वैत के सारी चीज़ों को जानता है, नहीं जानता है, वो सीखता है, पढ़ता है, बहुत स्टडी करता है। हाँ, जब वो सीखता है, पढ़ता है, जानने के लिए कोशिश करता है, तो एक आम जो इंसान है उससे शायद 10,000 गुना ज़्यादा उसका ब्रेन पावरफुली काम करता है। वो एक चीज़ों को समझने के लिए कई एंगल से सोचता है, देखता है और बहुत फास्ट होता है। जब वो इस छोर तक पहुंच जाता है तो वो बहुत लॉजिकल हो जाता है, बहुत तार्किक हो जाता है, उसका रीजनिंग बहुत तगड़ा हो जाता है। तर्क में उसे कोई जीत नहीं सकता है, मुश्किल है उसे जीतने के लिए। और वो ब्रह्मांड को भी जब समझने जाता है तो एक आम एक वैज्ञानिक जो रिसर्च करके समझ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा उसका दिमाग काम करता है उसको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि वो शून्य के केंद्र पे है, उस केंद्र पे है, वो उस केंद्र से जो कि पूरे ब्रह्मांड उसकी परिधि है, उस केंद्र से उसको देखता है वो। जैसे सूर्य केंद्र है और सारे प्लैनेट्स जो है, ग्रह है, उसके चक्र लगा रहे हैं, तो वो सूर्य की जगह में खड़ा होकर देखता है सब चीज़ों को। वो कोई एक खुद स्वयं प्लैनेट नहीं है, वहाँ से हट चुका है वो प्लेनेट बन के घूम नहीं रहा है, और घूमने की काम उसकी ख़त्म हो गई है, उस केंद्र पे पहुँच गया है, शून्य के केंद्र पे। तो बहुत प्रभावशाली होता है चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ तक कि सिर्फ अपने ध्यान से बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकता है, ध्यान में जाकर बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकता है, समझ सकता है। उसकी समझ की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, विराट हो जाता है। इसीलिए आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो ध्यान के मार्ग से बहुत सारी चीज़ें, जैसे आर्यभट्ट, उनको पता चला। अब रामानुजम, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी मम्मी की पेरेंटिंग जो उनको मिला, उनकी मम्मी बहुत आध्यात्मिक थी, ध्यान वान करती थी, और रामानुजम को वो पेरेंटिंग मिला, कहीं वो भी बहुत आध्यात्मिक थे। अब ऐसा बात नहीं है कि आध्यात्मिक लोग ही ऐसे होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जो फॉरेन में बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए, उनको वो मेडिटेशन और आध्यात्मिक थे, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक में आध्यात्मिकता में जो सिखाई जाती है कि कैसे कंसंट्रेशन करना है, कैसे ध्यान लगाना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो वैज्ञानिक भी उसी मार्ग में उसी तरीके से चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर होते हैं और सोचते जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी चीज़ों को डिस्कवर कर लेते हैं, इन्वेंट कर लेते हैं। अगर रामानुजम की बात की जाए तो उन्होंने तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतिहास में कितनी सारी ऐसी मैथ्स की फॉर्मूलाज दी कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को भी समझने के लिए 50 साल लग गए। हालांकि रामानुजम को इनलाइटेंड पुरुष भी नहीं माना जाता है, वो थ्रेश होल्ड पर ये लोग थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, रामानुजम, इन लोग इनलाइटेंड पुरुष नहीं थे, वो थ्रेश होल्ड पर थे, मतलब ब्रह्मांड के उस छोर पर पहुँच गए थे कि और थोड़ा आगे चले जाते तो शून्यता को प्राप्त कर लेते। लेकिन द्वैत के मार्ग के भी अंत में थे वो, द्वैत को समझने के लिए। तो सर्वज्ञ ये नहीं होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस पीपल जो कि कुछ रियलाइज़ किए ही नहीं है, वो बहुत अद्भुत होते हैं। और सर्वज्ञ इसलिए प्रश्न आता है मन में कि वह इस द्वैत के फील्ड को भी, जो परम शक्ति जो है, जो कि द्वैत जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं उसका अंतिम जो विशेष रूप है, उस विशेष रूप को जानते हैं। और वही विशेष रूप, यानी कि मैं आपको ऐसा समझा सकता हूँ, एक पेड़ है तो पेड़ को समग्र रूप में जानते हैं। पेड़ तो एक बीज था पहले, लेकिन आप जैसे एक बीज देखते हैं तो वो बीज में तो आपको वृक्ष तो दिखता नहीं है, पहली बात है, लेकिन वो बीज में एक बहुत विराट वृक्ष का संभावना भी तो है। और जब हम ज़मीन में लगा देते हैं वही बीज को, तो बहुत बड़ा एक वृक्ष भी बन जाता है। तो वो बीज में सूक्ष्म रूप से वो जो वृक्ष है, उस वृक्ष को, सत्ता को ही वो जान लेते हैं। तो फिर उनकी इंटरेस्टेड नहीं होती है कि उस वृक्ष के डाल पत्ते को भी सब जानने के लिए, क्योंकि एक मान लीजिए लाइफ स्पाम होता है 80 साल, 100 साल, 70 साल, तो बड़ी से बड़ी जो परम चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। उसके परे और कुछ नहीं है, उसके अंदर ही सब कुछ होता है। इसीलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे उनके ध्यान नहीं रहती है। लेकिन ये अगर ध्यान देना चाहे, रिसर्च करे, कि ये ऐसा रिसर्च करेंगे, ऐसा समझेंगे कि आम लोग के दिमाग के बाहर है। कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति जिसका जागृत हो जाती है, जागृत के पहले जो आपका ब्रेन है 220 के वोल्टेज में काम कर रहा है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो ब्रेन 11,000 वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके अंदर में एनर्जी की कमी होती ही नहीं है, वो हमेशा ऊर्जावान रहता है, हमेशा एनर्जी रहती है। और धीरे धीरे चीज़ों को और समझते रहेगा, कंसंट्रेशन पे ध्यान देगा, थर्ड आई पे ध्यान देगा तो बहुत ऐसी सारी चीज़ों को पता कर लेता है। बट मेन बात यही है, वो सर्वज्ञ नहीं होता। सर्वज्ञ इन द फील्ड ऑफ द्वैत में, द्वैत में सब अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं। इसीलिए आज तक जितने गुरु हुए सब द्वैत के फील्ड में, कुछ लोग कुछ बोले, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी हो गई, किसी ने कुछ बोला उनकी सही हुई। तो द्वैत के फील्ड में जितने आध्यात्मिक गुरु हैं एक दूसरे के विपरीत भी बातें करते हैं, लेकिन जब अद्वैत परम सत्ता की जब बात करेंगे तो उसमें वो विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि परम सत्ता को सबने जाना है। और वहाँ तक लेके जाने के लिए अगर आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे रहे हैं कोई भी, तो वो उसकी खिलाड़ी है। फिर मतलब वो वहाँ तक लेके जाने के लिए उनको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो स्वयं गया है, कैसे गया है पता है, तो दूसरे लाखों लोगों को लेके जा सकते हैं उस जगह में। लेकिन उस आध्यात्मिकता को छोड़कर जैसे भौतिकतावादी के बारे में आप पूछने लग जाएंगे तो वो वहाँ पे फंस जाएंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो क्लियर इन द सेंस ऑफ सर्वज्ञ इन द फील्ड ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, ही इज़ द सर्वज्ञ। और साथ साथ वो इतना तेज हो जाते हैं कि इसके बारे में भी वो जानना पड़ता, उपाय नहीं। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, मुझे द्वैत के बारे में, मतलब तथ्य वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन के वर्ल्ड में आप कुछ पूछेंगे, अगर मैं उसको बोल ही नहीं पाऊँगा, थोड़ा भी आपको मैं अपने उत्तर से तसल्ली दे नहीं पाऊँगा, तो आप सोचेंगे क्या, इसको तो यही नहीं आता है, तो ये क्या बात कर रहा है बड़े बड़े प्योर कॉन्शियसनेस का या भगवान का, आत्मा परमात्मा का, उस ये सब सुन के फ़ायदा नहीं है। तो गुरुओं को द्वैत के फील्ड के भी सीखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है, ताकि सामने वाला व्यक्ति को सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन है उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे लड्डू से उसको खुश करना पड़ता है। लेकिन अंत में तो उसके जो परम, जो है परम तक लेके जाने के लिए एक गुरु को बहुत मेहनत करके छोटी छोटी चीज़ों में उसको सेटिस्फाई करके धीरे धीरे लेके जाना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, इसको यही पता नहीं है तो ये कैसे पता है। इसीलिए ओशो को भी बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी थी, वो भी वही कहते थे कि मैं तो पढ़ता हूँ इसलिए कि तुम आके प्रश्न पूछोगे, मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा तो तुम बोलोगे क्या इनको यही नहीं आता है, तो ये क्या परमात्मा के ज्ञान दे रहे हैं। फिर तो पढ़ना पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन ये जब पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इनकी क्षमता बहुत अधिक रहती है। ठीक है, ओके।